पानीपत रोड पर स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पहुंचे पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा। साथ में कटाक्ष किया कि जिन लोगों को प्रदेश में सब कुछ चाहिए वो लोग आदमपुर उपचुनाव में किस्मत आजमा कर देखें। उन्होंने कहा कि अब सेटिंग से काम चलने वाला नहीं, कांग्रेस की आदमपुर उपचुनाव में जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह की जीत का दावा किया और कहा कि आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मूलभूत सुविधाओं पर काम करती है। उन्होंने आदमपुर उपचुनाव से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट मिलने पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी भाई भतीजावाद खत्म करने की बात कहती थी, ऐसे में भव्य बिश्नोई को टिकट देकर क्या साबित किया। बीजेपी किसी प्रकार अन्य आदमी को टिकट देना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी 2024 से पहले भारत मुक्त हो जाएगी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा शायद जम्मू कश्मीर तक जा ही नहीं पाएगी, उससे पहले राजस्थान से कांग्रेस की सरकार चली जाएगी। प्रदेश में पार्टी पर कब्जा कर लिया, कब्जा करना गुंडों का काम है, फिर सब कुछ नहीं को चाहिए और अब चुनाव लड़ने का न्योता देने आया हूं, जो भी आएगा उसकी करारी हार होगी। कांग्रेस छोड़ सकते हैं, उनकी अगस्त की रैली याद होगी जो कांग्रेस के बारे में क्या बोला था। रोहतक से विकास सोलियान की रिपोर्ट। अपना अपना अमूल्य योगदान समाज के लिए, देश के लिए, और यही उम्मीद करेंगे कि भविष्य में ऐसे महापुरुषों से हम कुछ सीख करके बाकी उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए हमें इस हरियाणा को, इस देश को, श्री गांधी साहब, हुड्डा जी, धीरज जी, लाला जी, हमारे भाई साहब जी, सिकंदर जी, नवीन जी, कौशिक जी, पीछे पंगाल साहब, संधू जी, तमाम साथी, भाई मेहरा जी, गुरु, सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। आज छुट्टी के दिन आपको तकलीफ दी, आप पहुँचे हमारे बीच में बैठे, हमारे सभी आप सब देख भी रहे हैं। अभी उस दिन में सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणाएं हो जाएंगी। हमने तो अपनी पार्टी का उम्मीदवार सबसे पहले, अगर किसी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है इन चुनाव के अंदर, तो आम आदमी पार्टी ने किया है। अरविंद केजरीवाल जी और पीएसी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि संघर्ष करने वाले साथी को उन्होंने मौका दिया और वो संघर्ष करने वाला साथी आदमपुर की जनता के आशीर्वाद से आने वाला आदमपुर का विधायक होगा और यहीं से आदमपुर का जो शंखनाद होगा, जो जीत होगी, उसी से हरियाणा की विधानसभा में आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा। अभी सफाई आदमपुर की होगी, फिर उसके बाद पूरे हरियाणा में झाड़ू चलेगा, देश में झाड़ू चल ही रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह दो प्रदेशों में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली मॉडल है वो लोगों ने कबूल किया है और भविष्य में हिमाचल और गुजरात के चुनाव, और इन चुनाव से ये स्पष्ट लग रहा है धीरे धीरे कि आम आदमी पार्टी देश में विकल्प के तौर पे उभर करके आ रही है, क्योंकि बाकी सबको लोगों ने देख लिया। लोगों ने 27 साल वहाँ गुजरात में भी बीजेपी को देखते हुए हो गए और इसी तरीके से पूरे देश ने भी पिछले 8 वर्ष में देखा कि कैसे लोगों ने वायदे किए, फिर वायदा खिलाफी हुई। तो इसलिए असर एक दूसरे चुनाव का निश्चित तौर पर सब जगह पड़ता भी है। और जहाँ तक पंचायत चुनाव का सवाल है, तो पंचायत चुनाव में पहली बात तो ये पहली बार देखने में आया कि सरकार इंस्टॉलमेंट में चुनाव करवा रही, एक फेज कर दिया अनाउंस, अब करेंगे कि दूसरा करेंगे, कब करेंगे पता नहीं, हो सकता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जल्दी करें, क्योंकि सरकार को वैसे तो समझ में आता नहीं जब विपक्ष बोलना शुरू करती है और खासतौर से आम आदमी पार्टी कुछ मुद्दे उठाती है तो फिर उनको लगता है अच्छा ये करना पड़ेगा। तो एक टेन्योर अगर हम पिछले टेन्योर को देखें भारतीय जनता पार्टी के, जब उन्होंने इसी तरीके से 1.5-2 साल पहले डिले किया, करीबन 2 साल अभी डिले
होकर के चुनाव हुए पंचायत के होंगे, और ऐसे ही आगे नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव। सरकार पता नहीं क्यों ये कर रही है, या तो ये मौका देखते हैं कि भाई कब थोड़ा सा लोग हमारी एंट्री होने दें, क्योंकि पिछले 8 साल उठा करके देखें तो 4 साल तो सरकार की एंट्री नहीं थी गांवों में, तो हो सकता है ये भी कारण रहा हो, लोगों की नाराजगी बहुत ज़्यादा रही, तो कारण तो वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन एक टेन्योर वो पूरा जिसमें लाखों लोगों को मौका मिलता जनता का प्रतिनिधित्व करने का, डेवलपमेंट काम करवाने का, जिस सोच के साथ नई पीढ़ी राजनीति में आती है, नए लोग राजनीति में आते हैं कि हम कुछ नया करके दिखाएंगे, तो वो मौका उन्होंने नहीं करने दिया। लेकिन अब जब वो करवाएंगे चुनाव तो जनता उसका हिसाब भी मांगेगी और करेगी भी, इलाज करेगी पक्के वाला। एक आजकल ऐसे अनुरोध करेंगे, बाकी कुछ लोगों के लिए मैं न्योता भी देने आया हूँ यहाँ आदमपुर के लिए। कुछ लोगों के चेहरे पे पिछले कुछ दिन से बड़ी परेशानी से दिख रही है कि भाई क्या करें, क्योंकि जो लोग एक दूसरे को हलवा खिलाते रहे हो, सेटिंग करते रहे हो, सेटिंग कर करके उम्मीदवार दिए हो, और उसमें नया विकल्प मजबूत विकल्प दिखने लग जाए, जो इन सबको सेटर्स प्लॉटर्स को साफ करने की मंशा के साथ मैदान में उतरा हो, राजनीति को स्वच्छ करने की मंशा के साथ मैदान में उतरा हो, लोगों को उनके अधिकार देने के लिए मैदान में उतरा हो, तो फिर जो है लोग परेशान होना स्वाभाविक है। तो जो भी मैदान में आए, क्योंकि उधर तो देश में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए मना कर रहे हैं सब लोग, और यहाँ जो है आदमपुर का उम्मीदवार बनने के लिए लोग मना कर रहे हैं। पहले लड़ाई हुआ करती थी कि भाई उम्मीदवार हमें बनाओ, यहाँ सारे कह रहे हैं कि इसका एकमात्र और एकमात्र जो कारण है वो है आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता, पॉपुलरिटी, उसका काम करने का तरीका और लोगों का विश्वास। लेकिन फिर भी कोई अगर जोर आजमाइश करना चाहता है तो आए, अभी तो कई दिन बचे हुए हैं और सोच ले। हम तो 11 तारीख को नॉमिनेशन भरेंगे तो 17 तारीख तक मेरे ख्याल से 14 तक तो अभी और 4-5 दिन का समय है। जिनको सब कुछ खुद ही चाहिए होता तो ये भी खुद ले ले। जब खुद ही सब कुछ चाहिए होता है, अध्यक्ष खुद चाहिए, CLP खुद चाहिए, मुख्यमंत्री खुद बनना है, तो एक बार आदमपुर से आजमा ले। और अगर नाम तो समझ गए आप, जिनको सब कुछ चाहिए है वो एक बार आदमपुर भी आए, आदमपुर की जनता बुला रही है उनको, उन्होंने किसी को हलवा खिलाया था, अब वो मिलके दोनों को हलवा खिलाना चाहती है कि भाई आओ तुमने नाश कर दिया 26 साल हमारा। तो मैं न्योता देने भी आया हूँ। इसलिए देरी हो रही है, नहीं वहां क्या देरी हो रही है, वहां तो आज तक तो अभी PCC और AICC मेंबर की तो लिस्ट नहीं निकाल पाए, कमेटियां ये गठित नहीं कर पाए, 9 साल होने वाले हैं तो क्या रणनीति बनाएंगे। अभी मैं बयान पढ़ रहा था जो रबर स्टैंप अध्यक्ष है उनका, वो कह रहे थे हमने ड्यूटी लगा दी 30 विधायकों की। मैं 30 विधायकों की, तुम्हारी मीटिंग में आज तक कभी 30 विधायक आए हैं क्या किसी भी मीटिंग में? तुम कह रहे हो हमने ड्यूटी लगा दी 30 विधायकों की। आम आदमी ने कहा कि भाई हमने हमारे 25-30 वहां पर विधायक आएंगे, हमारे 4 कैबिनेट मंत्री आएंगे, 2000 लोगों ने वहां पर मैदान में उतर गए। कांग्रेस पार्टी गंभीरता के साथ चुनाव ही नहीं लड़ रही दर्शन, ना पहले भी लड़ती ना काम करते। ये उस समय जो कहते थे हमें 6 महीने पहले मौका देते, हमें इतनी ऐसी सरकार बना देते, तो अब तो बहुत मौका मिल गया 6 महीने के, अब तो 3 साल हो लिए बने हुए, तो आओ ना मैदान में। वो 31 सीट तो हमारी चोरी हुई है, हमारे से चोर करके दी है वो, इसीलिए मैं खास तौर पे आमंत्रण देने के लिए आया हूँ कि आओ भाई आओ, जो भी आएगा उसकी जमानत जब्त करेंगे, तीसरे नंबर पे फिर आएगी कांग्रेस,
इसलिए मैं खास तौर पे आज आया हूँ और मुझे विश्वास है कि जो सेटिंग कर कर के आज तक चुनाव लड़ते आए, अब सेटिंग का दौर हरियाणा की राजनीति में आदमपुर से खत्म होगा और नई शुरुआत होगी, नया नेतृत्व आएगा। गढ़ तो देखो मिला जुला करके वैसे तो अभी समय नहीं आया, खुलासे बहुत करने हैं मेरे को और जब समय आता जाएगा वैसे वैसे खुलासा करता जाऊंगा। समय और परिस्थितियां खुलासे करवाएगी, वो आदमपुर में करवाएगी, आदमपुर के बाद करवाएगी, लेकिन खुलासे करते जाएंगे। कोई गढ़ मामला किसी का नहीं है, लोग त्राही त्राही है वहां पर, कोई जाकर के पूछता नहीं है। अगर आप वहां के विधायक के टावर देख लेंगे, वो कॉल डिटेल्स देख लेंगे, तो जब से विधायक बने यूरोप में, इंग्लैंड में, दुबई में, फलाने में, दिल्ली में, ऐसे टावर की लोकेशन आएगी। और हमारे जो उम्मीदवार है उसकी लोकेशन क्या आएगी? न्योली खुर्द, बालसमंद, रांसी, इस तरह के गांवों की लोकेशन आएगी जो आदमपुर के गांव हैं। और इसीलिए एक सच्चे मेहनत करने वाले को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। मुद्दा तो शिक्षा स्वास्थ्य ये सारे ही है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई जब देश ये मान रहा है, जब कांग्रेस ने ये मान लिया कि भाई हम तो हमारे बस का नहीं है लड़ना, हम तो घुटने टेक गए। गुजरात में भी यही हाल है, चुनाव आ रहे हैं, गुजरात हिमाचल उठा करके देख लो, कोई नहीं जा रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो कहाँ से विकल्प बनेंगे भाई। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हिमाचल से लेकर के गुजरात, पूरे देश के अंदर पूरी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के। तो निश्चित तौर पर मुद्दा यही है कि जो विकल्प है भविष्य का, उसका साथ दे, और जो एब्सेंटी विधायक वहां पर रहे हैं, NRI जैसे होता है ना, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऐसे ही NRA है, नॉन रेजिडेंट आदमपुरिया। कहता तो मैं हूँ आदमपुरिया हूँ, वही मैं 60 साल से हमारा मामला है। फिर परिवारवाद, फिर परिवारवाद, फिर परिवारवाद घुमा फिरा करके कब तक लोग जो है इन चीजों को सहन करेंगे? लोग अब सहन नहीं करेंगे। देश की जनता, दुनिया के अंदर एक ट्रेंड शुरू हो चुका है और वो ट्रेंड ये है कि पढ़ा लिखा, संघर्ष करने वाला, ईमानदार व्यक्ति जो नॉन पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से हो, साधारण घर से हो, उसको जनता अपना प्रतिनिधि देखना चाहती है, क्योंकि वही उसके दुख दर्द को समझ सकता है, और व्यक्ति तो समझता ही नहीं दुख दर्द को। जिसने हमेशा विरासत की राजनीति करी, सत्ता का सुख भोगा, सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए, नहीं मिली तो साला चोर के लिए आए, भ्रष्टाचार करके लिए आए, तो उनको कैसे बर्दाश्त करेंगे लोग? उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई यूं ही खुश होते रहो, तीसरे पे आते रहो, अरे अभी बाद में लोकसभा में भी यही कह देना हमारे ही है सारे। ये खुश होकर के अपनी कमियों को छुपाना कि भाई बीजेपी वाला भी मारा, फलाने वाला भी मारा, और ये भी मारा, ये कमजोर नेतृत्व की निशानी है। मजबूत आदमी वो है जो अपनी जिम्मेदारी मान करके, मैदान में डट करके, और चुनावी परिणाम को बदलने की ताकत रखता हो, लोगों को कन्विंस कर सकता हो। इनके अंदर वो जज्बा तो है ही नहीं। दिल्ली में जब आप नरेंद्र मोदी भाजपा के साथ सेटिंग करोगे, ग्रुप G23 चलाओगे, हजारों का ग्रुप, तो फिर क्या लड़ाई लड़ोगे फील्ड में? तो फील्ड में लड़ने के लिए जो है, इसीलिए हम आए हैं कि भाई मौका है, आ जाओ, गलतफहमी ना पालो। आदमपुर की जनता कईयों की गलतफहमी दूर करना चाहती, तो आप भी आओ। देखिए आम आदमी पार्टी देश के अंदर अभी धीरे धीरे अपना प्रचार प्रसार, जड़े फैलाने का काम कर रही है,
जो लोग अब ऐसे तो आप कहोगे कि बीजेपी में आज 350 सांसद हैं लोकसभा के, आधे कांग्रेस से गए हुए हैं। तो जो पुरानी यूनिवर्सिटी, पुराना स्कूल, पुराना कॉलेज होता है, उसका मामला 135 साल का, तो निकल निकल के जिसके साथ गलत होता गया वो छोड़ते गए, क्या वहीं पढ़े रह करके लित्र खाने का काम करेंगे? जो खा रहे हैं वो स्वाभिमान उनका है नहीं, निर्लज लोग हैं वो, जो वहीं घुटने टेके हुए हैं फिर भी वो रोज लित्र लग रहे हैं और फिर भी वहीं पड़े। मजबूत साथियों से मेरा अनुरोध है कि न्याय उनको, कार्यकर्ताओं को भी न्याय नहीं मिलेगा, वहाँ जो अच्छे नेता है उनको भी न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए जहाँ न्याय मिल सकता हो वहाँ उनको निकल करके आना चाहिए। और देश बचाने की लड़ाई में, देश को नंबर एक बनाने की जो लड़ाई है अरविंद केजरीवाल जी की, उसमें साथ देना चाहिए। क्या राहुल गांधी देश छोड़ पाएंगे? यात्रा पे निकले हुए हैं, सोनिया गांधी खुद उनके साथ भी चली हुई, क्या लगता है आपको देश छोड़ पाएंगे? देखिए, जब तक ये यात्रा जो है कश्मीर पहुंचेगी, पता नहीं पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी, पहले तो इसका डाउट है, क्यों ये सेबोटाज करने में लगे ही रहते हैं लोग, तो इनका काम ऐसा ही है। उससे पहले पहले राजस्थान की सरकार चली जाएगी, ये मेरा दावा है। तो कहाँ से जुड़ी कांग्रेस? कांग्रेस तो और टूट गई, खंडित होगी, तो कांग्रेस बचेगी? 23 से पहले पहले कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, कांग्रेस ही मिलकर। तो आप तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बचेगी नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो तो चुनावी वायदे तक कर जाते हैं, अमित की पेंशन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सरकार। अब हो सकता है किसी और पार्टी के भी हाथ पे कर रहे हो सकता कोई और सपना देख करके कर रहे हो, कांग्रेस तो नहीं बचनी, कांग्रेस नहीं बचनी। तो क्या भूपेंद्र हुड्डा भी कहीं और जा रहे हैं? जा सकते हैं, कोई कहीं भी जा सकता है, नहीं मिलता तो 18 तारीख की वो उठा के देख लो, 18 अगस्त की रैली की वो वीडियो, इसी रोहतक की, क्या क्या बोला था। तो हाँ, देखो मैं जितनी